देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर अधिकांश भक्त जन व्रत उपवास रखते हैं, इसलिए सभी दूर फलाहारी प्रसाद का भोग लगाया जाता है और भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के अगले दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोलेनाथ के भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन होता है। शनिवार को महाशिवरात्रि उत्साह के साथ मनाते हुए स्पेशल गांधीनगर स्थित पंचालेश्वर महादेव मंदिर पर शर्मा परिवार की अगुवाई में फलाहारी खिचड़ी एवं खीर प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं महाशिवरात्रि के अगले दिन परंपरा अनुसार पंचालेश्वर महादेव का श्रृंगार आरती भजन संध्या छप्पन भोग एवं महाप्रसादी का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजक पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने बताया कि पंचालेश्वर महादेव की स्थापना उनके दादाजी स्वर्गीय डूंगालाल जी शर्मा द्वारा सन 1948 में की गई थी। तभी से यहां पर श्रावण मास एवं महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। विगत 18 वर्षों से महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा को छप्पन भोग लगाने के साथ ही भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजन पूरे उत्साह के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती संगीता द्वारका प्रसाद शर्मा की अगुवाई में पंचालेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रीमती संगीता शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार किया गया। भोलेनाथ को साफा भी पहनाया गया। आयोजन में ऋषि कुमार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति रखते हुए यहां पर मंच बनवाया गया था। इसके पूर्व गणेश जी, माता जी, हनुमान जी, ओम जय जगदीश हरे एवं भोलेनाथ की महाआरती संपन्न हुई। आरती के पश्चात अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भोजन और भजन का एक साथ आनंद लिया। आयोजक द्वारका प्रसाद शर्मा एवं श्रीमती संगीता शर्मा ने बताया कि पंचालेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह शिवलिंग अत्यधिक चमत्कारी है, इसलिए भक्त जन श्रावण मास एवं महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष रूप से आते हैं। जय गणेश, पूजा चार अति शोभित व
गांधीनगर में भगवान परशुराम मंदिर के पीछे प्राचीन शिव मंदिर है, जो 1948 के दौरान दादाजी द्वारा स्थापित शिवलिंग की स्थापना की गई है। साक्षात भोलेनाथ विराजमान है इसके अंदर यहाँ पर, और शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवरात्रि के विवाह के उपलक्ष में यहाँ पे शिवरात्रि के दिन जो है खीर प्रसाद वगैरह का और फरियाली जो व्यवस्था रहती है इसके अंदर। अगले दिन जो है विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाता है भक्तों के लिए यहाँ पर, और विगत यह 18 साल से जो है कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ से। क्या कोई भजन संध्या का भी आयोजन आज? हाँ, भजन संध्या ऋषि कुमार एंड ग्रुप द्वारा जो आज भजन संध्या की प्रस्तुति है इसके अंदर, और आरती के प्रसाद जो है 3 आरती रहेगी यहाँ पर इसके अंदर। ये गणेश जी से स्टार्ट करते हैं, गणेश जी भोलेनाथ जी को मनाते हैं, कि माता पार्वती जी की आरती के बाद जो है विशाल भजन संध्या का आयोजन रहता है, साथ में अन्नकूट भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है, और सभी जो भक्तगण हैं वहाँ प्रसाद का आनंद लेते हैं इसके अंदर। ये मूर्ति और मंदिर की स्थापना के बारे में आप बताएं। मूर्ति ये 1948 में स्वर्गीय हमारे दादाजी स्वर्गीय डूंगालाल जी शर्मा के द्वारा जो है मूर्ति स्थापित की गई थी, और साक्षात भोलेनाथ विराजमान है, साक्षात सबकी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है इसके अंदर।